Hey guys, welcome back to the channel. आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है व्लॉग विदाउट एनी आइडिया. मतलब आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है, तभी भी आप कैसे व्लॉग बनाएं, इसके ऊपर ये व्लॉग होने वाला है. क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सब लोग घर में है, बाहर नहीं जा सकते हो. कुछ ट्रैवल ब्लॉगर हो गए, कुछ ब्लॉगर हो गए, तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आता है ये बड़े यूट्यूबर्स को नहीं आता है. ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स है उसके लिए आ रहा है. लेकिन ये जो मुंबई करने के लिए तनेजा है, उसके पास गौरव चौधरी है या फिर MSK, तो ये जो लोग है ऑलरेडी एक ब्लॉगर है, एक अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं. तो इसके लिए इनको है ना ब्लॉग बनाने के लिए कोई कंटेंट की ज़रूरत नहीं है. इनकी लाइफ ही इनका एक कंटेंट है. सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि इनकी लाइफ कैमरे के सामने, आपके सामने, मतलब ऑडियंस के सामने कैसे रखी जाए, इसके ऊपर उनको काम करना होता है. बाकी जो दिक्कत आ रही है वो हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए आ रही है, उसके लिए सोल्यूशन है. क्या सोल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ. तो हम जैसे यूट्यूबर्स, मतलब कौन यूट्यूबर्स, मतलब जो 1000 सब्सक्राइबर के अंदर है वो, या फिर 1000 से लेके 1 लाख तक है वो, या फिर 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक है, 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक जिसके सब्सक्राइबर है उनको एक थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलता है. मतलब कोई भी अगर टॉपिक पे अगर वो वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के बाद उनके पास एक ऑडियंस होती है, जो कि जो इनिशियल बूस्ट मिलता है यूट्यूब के वीडियो को. आप सभी को पता होगा, जो जो ब्लॉगर देख रहे हैं ये वीडियो, जो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स देख रहे हैं, छोटे मतलब आप ऐसा मत बोलिए कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी उनमें से ही एक हूँ. जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपके पास एक इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर है, मतलब एक 10,000, 20,000, 25,000 अगर सब्सक्राइबर है, आपका वीडियो अगर अपलोड करने के बाद आपका वीडियो अगर देखा जाता है थोड़ा बहुत, तो यूट्यूब वो वीडियो को रिकमेंड करता है अनदर पर्सन के पास, मतलब जो अदर पीपल के पास वो रिकमेंड होता है. इसकी वजह से वो वीडियो को बूस्ट मिल पाता है. ये जो एडवांटेज है वो मिलता है जिसके 100K के ऊपर सब्सक्राइबर है उनको मिलता है. उसके बाद में जो 100K से लेके 1000 तक है उनको भी ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है. उनकी जो लाइफ होती है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं होती है कैमरे के सामने. लोगों को उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. मतलब अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा. जो मुंबई का निकल का अगर एक वीडियो आता है या फिर मेरा आता है, दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन करते हो तो ऑब्वियसली दो नोटिफिकेशन अगर गिरते हैं तो ओपन किसका होगा, मुंबई का निकल का. ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यूअर देखने वाला है वो मुंबई का निकल के वीडियो को क्लिक करे, ये चांसेस ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है ट्रैवल व्लॉगर्स को, उसके बाद में मोटर व्लॉगर्स को. इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वीडियो कैसे बनाएं. क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल सकते हो, इसलिए मोटर व्लॉग नहीं कर सकते हो या फिर ट्रैवल नहीं कर सकते हो. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि क्या वीडियो बनाएं. तो गाइस सॉल्यूशन सिंपल सा है. आपका जो कैटेगरी है ट्रैवल व्लॉग है या फिर फूड व्लॉग है या फिर मोटर व्लॉग है, इनमें अभी क्या चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अभी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं भले वो 1000 हो या 1000 से कम हो, तो जो भी सब्सक्राइबर जूनियन से अगर होंगे आपके सब्सक्राइबर तो वो आपको देखना पसंद करते हैं. एक काम कीजिएगा, जो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आपके लाइफ में की कोई स्टोरी होगी वो स्टोरी आप उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट आप बोल सकते हो. जैसे कि मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये कैनन का 1080mm वाइड एंगल लेंस है, ये इसको मैं अनबॉक्स करके बता सकता हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आप बता सकते हो, लोग इंटरेस्टेड है. जो व्यूअर्स किस कैमरे से शूट करते हो, कौन से लेंस से शूट करते हो, ये आप अभी बता सकते हो. नहीं बता सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हो. अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो आप ये चीज़ें बोल दीजिए. हाँ, तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास अभी कोई चीज़ नहीं है दिखाने को. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने चीज़ नहीं है, या फिर चीज़ है लेकिन आपने पहले ही कोई चीज़ें बता दी है कैमरे के सामने, तो अभी क्या बात करें. तो लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे कि ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, तो ये ब्रेक हो गया था, आप देख लो ये ब्रेक हो गया. तो ब्रेक हो गया था, इसके बारे में आप एक स्टोरी बता सकते हो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी. लेकिन स्टोरी बताते समय सीधा कैमरे के सामने बड़ मत कीजिएगा. इसके लिए थोड़ा वगैरह चेंज करते रहिए. वॉक करते समय आप वीडियो बना सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो अगला जो पॉइंट है ये आप समझ लीजिए कि व्लॉग मतलब क्या है, मतलब व्लॉगिंग मीन्स क्या है. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि व्लॉगिंग का मतलब क्या है, तो व्लॉगिंग मतलब कोई ऐसा ये नहीं कि आप सिर्फ वेदर बता दो या फिर टाइम क्या हो रहा है ये बता दो, या फिर मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ये खा वो पे रहा हूँ. सिर्फ इतना व्लॉगिंग नहीं है. व्लॉगिंग एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप अपने थॉट्स कैमरे के सामने वीडियो के थ्रू आप बता सकते हो. इसको बोलते हैं व्लॉगिंग. थॉट्स है, ओपिनियंस है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो आप कैमरे के सामने शेयर कर सकते हो, या फिर कोई स्टोरी है, या फिर कोई आपकी जो इमोशनल स्टोरी होती है, या फिर कोई भी स्टोरी आपके लाइफ के बारे में, अगर ये आप कैमरे के सामने बोल सकते हो या फिर बता सकते हो तो वो बता दीजिए. ये भी व्लॉगिंग के कैटेगरी में आता है. एक जगह पर आप स्टिक मत रहिए. जैसे कि मैं मोटर व्लॉग करता हूँ तो मैं सिर्फ मोटर व्लॉग करूँगा. अभी
अभी लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं कोई भी वीडियो आप पोस्ट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलता है यूट्यूब में। यूट्यूब में पोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका चैनल एक अच्छे स्टैंड पे आ रहा है, अभी एक अच्छे स्टैंड पे आ चुका है ऑलरेडी जो चैनल है, ये चैनल अभी ग्रोथ ऐसे ही मतलब ऐसे ही बरकरार रखने के लिए आपको वीडियोज़ पोस्ट करने ज़रूरी है, नहीं तो यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम में आप पीछे रह जाओगे। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप एक ही स्टोरी बता दो या फिर स्टोरी के बारे में आपके थॉट्स के बारे में बता दो, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि एडिटिंग ऐप से आपके वीडियोस आप अगर एडिट करते हो, या फिर आप कोई फोटोशूट अच्छा करते हो, या फिर फोटोशूट के बारे में आपको पता है, कैमरे के बारे में पता है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तो ये भी एक ब्लॉगिंग कैटेगरी में आता है। ब्लॉग करने के लिए अपने पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से आप सोच लो कि इसके बारे में वीडियो बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो आप देख लो, एक कोई भी एक टॉपिक उठा लो और वो के बारे में बात करना चालू कर दो। कोई भी एक टॉपिक के बारे में बात करना है, लेकिन सिर्फ बात ऐसी नहीं करनी कि सिर्फ कैमरा लगा दिया स्टैंड पे फिर बात करना चालू कर दिया, तो ये मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा फ्रेम चेंज करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं कर रहा था इस वीडियो में। आपने देख लिया मैंने कि बहुत सारे फ्रेम अभी चेंज कर लिए ये वीडियो में। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो व्यूअर्स होता है, व्यूअर्स का जो अटेंशन होता है, वो अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो, या फिर अटेंशन आप वीडियो के अंदर बनाए रख सकते हो व्यूअर्स का। तो गाइस एक स्टोरी है मेरे पास, मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग है। एक मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं अभी टेरेस पे आया हूँ, तो ये जो सामने की ओर ये जो इलेक्ट्रिक तार जो दिख रही है, तो वो तार है ना, दो दिन पहले ऊपर की जो टहली है, ये जो पेड़ है वो थोड़ा सा गिर गया था, टहली गिर गई और उसके ऊपर गिर गई। उसके ऊपर गिरने के बाद ये जो था पूरा नीचे के नीचे गिर गया, फिर लाइट चली गई। तो ये एक्चुअली एक स्टोरी नहीं थी, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आजू बाजू के जो चीज़ें हो रही है आप वो भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। आप घर में हो, आप अगर फूड बना रहे हो या फिर चाय बना रहे हो, वो चाय बनाते समय का वीडियो बना दो, उसके ऊपर एक स्टोरी बना दो, या फिर मम्मी के साथ खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय एक व्लॉग बना दो। मैंने एक व्लॉग बना दिया बनाते समय, जो वीडियो है वो आपको मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, आई बटन में यहाँ पे किधर तो आएगा, तो यहाँ पे वो आप वीडियो देख लो जाके। वैसे वीडियो में बात करने के लिए अभी कुछ रहा नहीं है, बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। लेकिन एक बात और है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये बात करने के लिए मैंने जहाँ जहाँ मतलब पॉज लिए, जहाँ जहाँ मैंने अभी ये चेंजेस किए, फ्रेम्स चेंज किए, वहाँ पे एक था कि मैंने पहले से ही इस चीज़ को मैंने स्क्रिप्ट करके लिया था। स्क्रिप्ट करने के लिए आप ऐसे एक पेपर पे पॉइंट आउट कर सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट, लेकिन सिर्फ एक अगर पॉइंट आउट करते हो तो पॉइंट आउट करने के बाद आपको जो चीज़ बोलनी है वो आप प्रॉपर बोल सकते हो, और उसके ऊपर से एक कैसा है कि एक इम्पैक्ट अच्छा सा व्यूवर्स के ऊपर पड़ सकता है। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर कोई भी व्लॉग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैं ऐसे वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।